से हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपको एक और आइटम का प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। ये Amazon से हमने परचेज किया है, ये देखिए Amazon का बॉक्स भी है इसमें, ठीक है। और ये कुछ डिटेल्स वगैरह मेंशन है, ऑर्डर डिटेल्स है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं जल्दी से। ये हमने Asus का लैपटॉप मंगवाया है, Asus i3 11th जनरेशन लैपटॉप मंगवाया है। अभी लेटेस्ट आया है, 2021 मॉडल है वैसे ये, ठीक है। और अभी 2-3 मंथ बिफोर ही ये लॉन्च हुआ है, i3 11th जेन है ये। और प्रोसेसर स्पीड वगैरह भी डिटेल्स में हम आपको बताएंगे। ये इसका बिल डिटेल वगैरह है, ये इसका बॉक्स है, काफ़ी अच्छा बॉक्स है इसका। ये पैकिंग बॉक्स दिया हुआ है इन्होंने, एक सील दिया हुआ है। ये बोलते हैं कि विदाउट, अगर सील आपका ओपन है तो आप ये प्रोडक्ट ना लें। ये देखिए, ये इस टाइप से कैरी बैग है। अगर आप ऑफलाइन मार्केट से परचेज करते हैं तो आपको ये बॉक्स मिलेगा सिर्फ, वो डिलीवरी बॉक्स नहीं मिलेगा। तो आप इस तरीके से आप इसको लेके आ सकते हैं। थिन एंड लाइट वेटेड लैपटॉप है, तो हमने इसका स्क्रीन अभी कट किया है। तो आइए शुरू करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। इसी कुछ डिटेल्स वगैरह मेंशन है, इंपोर्टेड बाय, मार्केटेड बाय, मैन्युफैक्चर्ड बाय, ठीक है। कब ये मैन्युफैक्चर हुआ था, इसमें क्वांटिटी क्या क्या है, वन लैपटॉप है, वन अडाप्टर है, एंड वन यूज़र मैनुअल है इसके अंदर, ठीक है। जेनरिक नेम दिया हुआ है Asus का, नोटबुक सीरीज़ का लैपटॉप है ये, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये इसका केबल है, क्वालिटी काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड ये इसका अडाप्टर है, स्क्वायर शेप्ड है, काफ़ी स्लीक है। जो भी लेटेस्ट आ रहे हैं वो भी इसी टाइप के आ रहे हैं, जो न्यू मॉडल में है काफ़ी स्लीक आ रहे हैं आप, क्योंकि स्पेस का हर किसी को प्रॉब्लम लगता है, तो इस वजह से हर कोई अब पोर्टेबल चीज़ें बनाने लग गया है। काफ़ी लाइट वेट है दोस्तों ये, और एक आई थिंक ये यूज़र मैनुअल होगा इसका। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या आइटम है इसके अंदर। ये एक स्क्रीन गार्ड टाइप है, मे बी शायद ये माउस स्क्रोलिंग के लिए, माउस पैड के लिए दिया हुआ है इन्होंने। ये कुछ लॉक्स लग रहे हैं मुझे इसमें, ये कुछ इसकी केबल भी है आई थिंक, ये स्लीव टाइप कुछ दिया हुआ है इन्होंने, ये लॉक्स वगैरह दिया हुआ है, ये कुछ टेप दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी पता नहीं है हमको ये किस चीज़ के लिए है बेसिकली, अभी जब हम ओपन करेंगे इसके यूज़र मैनुअल में मे बी शायद वहाँ पर पता चले। बट एक ये स्क्रीन गार्ड ज़रूर दिया हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर में, ये स्क्रीन गार्ड है, ठीक है। ये माउस पैड के लिए स्क्रीन गार्ड दिया हुआ है इन्होंने, नॉन ब्रेकेबल है ये, बट ये रीयूजेबल नहीं होते हैं। आपने एक बार यूज़ किया तो यहाँ पे इसका यूज़र मैनुअल है, इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल। तो वही शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ शुरू करके। इसके साथ ये आइटम्स आई हैं, देखिए एक ये लैपटॉप है, एक ये चार्जर है, ये चार्जिंग केबल है, ये इसका अडाप्टर है, एक ये यूज़र मैनुअल है, और ये कुछ एक्सेसरीज हैं इसकी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। अभी ये देखिए दोस्तों, सिल्वर कलर में मेटेलिक कलर है और काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी लग रहा है, मेटल में लग रहा है वैसे ये, बट मेटल मुझे लग नहीं रहा है, ये प्लास्टिक में, बट काफ़ी अच्छा क्वालिटी लग रहा है। इन प्राइस रेंज इट इज़ रियली वेरी गुड। ये देखिए दोस्तों, बेजल लेस है ये, बिल्कुल स्लीक मॉडल है। आप देख सकते हैं इसका बेजल कितना पतला है, ऊपर भी बेजल इतना नहीं है, साइड में भी बेजल इतना नहीं है, और 14 इंच का स्क्रीन साइज है ये, काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी ये देखने में। इसमें देखिए फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, ये इसका माउस पैड है, ठीक है। और ये कुछ डिटेल्स दिया हुआ है इन्होंने, CPU, पावरफुल परफॉर्मेंस, इस तरीके से कुछ ऑप्शंस हैं,
यहाँ पे अगर मैं आपको पढ़ के बताऊँ तो ये पावरफुल परफॉर्मेंस है, लिंक टू माई असूस है, आपको माई असूस अकाउंट से लिंक करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं, लैपटॉप के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंटेल का या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 इनबिल्ट है, ठीक है, तो आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिस सॉफ्टवेयर इसमें आपको फ्री दिया गया है 2019 वर्जन, ठीक है। तो आइए इसको शुरू करते हैं, आपके सामने देखते हैं ये ऑन होगा या नहीं होगा। दोस्तों अभी शायद ये बैटरी इसका डिस्चार्ज है, तो हम इसको एक बार पावर से कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने ये इसका पावर सप्लाई ऑन कर दिया है, यहाँ पे आगे एक लाइट भी आ गया होगा और कुछ मुझे नज़र भी आया है। देखिए दोस्तों आपके सामने स्टार्ट हो गया है, ठीक है। चार्जिंग के लिए इधर लाइट है दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको चार्जिंग पोर्ट से हटा देंगे तो ये इनमें से एक लाइट बंद हो जाएगा। तो चार्जिंग के लिए ऐसे ये ऑरेंज कलर है एंड ये पावर के लिए है कि मैंने इसको ऑन किया हुआ है, ठीक है। तो मे बी शायद ये जब तक ऑन रहेगा तब तक ये वाइट कलर की लाइट LED ऑन रहेगी एंड येलो कलर इज फॉर चार्जिंग। इधर एक पोर्ट दिया हुआ है, दैट इज 3.5 mm जैक, और दो इसके USB पोर्ट इस साइड में दिए हुए हैं। ये कैनिस्टर लॉक के लिए दिया हुआ है बेसिकली, जो हमारे काम का नहीं है इस तरीके से बेसिकली। इस साइड में एक HDMI पोर्ट दिया हुआ है और एक USB पोर्ट है, ठीक है। और अगर हम नीचे की तरफ देखें तो कुछ नहीं है, बट ये काफ़ी स्लीक है दोस्तों। 1.6 kg इसका वेट है, जो कि वाकई में बहुत ही इनक्रेडिबल चीज़ है। ये काफ़ी स्लीक है, ये मतलब आप यूज़ करेंगे इसको या इसको ओपन करेंगे तो आपको खुद दिखेगा काफ़ी लाइट वेटेड लैपटॉप है ये। अभी ये हमने सब सेटअप कर दिया है, जितना इन्फॉर्मेशन इसको चाहिए था वो हमने इन्फॉर्मेशन इसको दे दिया है। अभी ये खुद सेटअप हो रहा है अपने आप से, जो इंटरनल इसकी सेटिंग्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, सब सारी चीज़ें ये सेटअप कर रहा है अपने आप से। यहाँ पे इसने इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है, दिस माइट टेक सेवरल मिनट्स, डोंट टर्न ऑफ योर PC। इतने तक ये टाइम ले रहा है, इतने तक मैं आपको बता दूँ, ये हमने i3 और 11th जनरेशन लैपटॉप मंगवाया है, ठीक है, जिसमें 8 GB रैम है एंड 256 GB इंटरनल स्टोरेज है, जो कि SSD के साथ है। ये इसमें हमारा जो हार्ड डिस्क है वो SSD है, तो ये काफ़ी फास्ट होने वाला है। i3 है और 11th जनरेशन है विद 256 GB SSD एंड 8 GB रैम, ठीक है, जो नॉर्मल यूसेज के लिए काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। इसका प्राइस ऑलमोस्ट हमें 39,000 का ये हमको ऑनलाइन मिल रहा था, ठीक है, तो हमें कुछ बैंक डिस्काउंट लगाने के बाद ये हमें 37 समथिंग का पड़ा है। मैं एक बार कैमरा और आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इसका वीडियो प्रोसेसिंग के लिए है, ये इसका कैमरा प्रोसेसिंग के लिए है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। मैं अभी इसको क्लोज करता हूँ। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर हम यहाँ पे दिखा पाए, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी ऑप्शन है, एंड जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो चेक फॉर अपडेट्स में आप देखेंगे 11th जनरेशन विंडोज़ 11 का अपडेट आपको मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा है, लाइट वेटेड है। ये देखिए मैं आपको स्लीकनेस दिखाऊँ, तो ये देखिए ऑलमोस्ट अराउंड 1-2 cm से भी काफ़ी कम है, मतलब 1 inch भी नहीं है ऑलमोस्ट इसका जो विड्थ है, ठीक है। और काफ़ी अच्छा है, 14 inch का स्क्रीन है इसका, जो कि काफ़ी अच्छा है। ये देखिए इसका विंडो स्क्रीन आ गया है, होम स्क्रीन आ गया है ये अभी इसका, ठीक है, ये आपका स्टार्ट मेन्यू है। तो इसी के साथ दोस्तों हम अलविदा कहना चाहेंगे। ये हमने अभी लैपटॉप मंगवाया था, इसका स्पेसिफिकेशन और कुछ डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर किया। अच्छा लगा हो आपको तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे बटन ज़रूर दबाना, सो दैट हमारे अपडेट्स आपको मिले, नए नए जो भी वीडियोज़ हैं जो भी हम अपलोड कर रहे हैं अभी। थैंक यू, नमस्कार।